हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने जीवन में गाइज। सो एक्चुअली अभी सुबह के 10 बज गए हैं दोस्तों, आज लेट हो गया ब्लॉग बनाने में गाइज, और सो रहा था ड्यूटी से गाइज आया था, क्योंकि मेहनत भी करनी पड़ती है तभी जीवन चलता है, आप लोगों को मालूम है, बिना मेहनत के आजकल कुछ भी नहीं। सो गाइज, आप जानते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जीवन की, जो एक आधार बना हुआ है हर किसी का दोस्तों। सो मैं अभी सो के उठा तो मैंने सोचा कि अभी मेरा ये जो फैमिली है वो अब मेरा इंतज़ार कर रही होगी गाइज, और मेरे दोस्त जो हैं इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग का, तो मैंने दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, वीडियो बनाना कुछ ही समय में आपके पास आने वाला है गाइज। आप काफ़ी ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज आपको, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइज। और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो दोस्तों मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ और वीडियो बनाने की भी अच्छी अच्छी कोशिश करता हूँ गाइज। सो देख सकते हैं कि अंकिता जी क्या कर रही हैं, अभी आपको दिखाते हैं। अंकिता जी बैठी हुई हैं और चाय लेने के लिए तैयार हैं गाइज, तो आप देख सकते हैं, ये देखो बैठी हुई बैठी हुई हैं, आसन लगाए गाइज, आप देख सकते हैं अपना निकाल हुआ है ना गाइज। रोटी ऑलरेडी हमारी बन गई है, रोटी भी बन गई है, ये देखिए इसमें रखी हुई है, आपको दिखा दें गाइज, ये देखिए गाइज रोटी बन गई है, तो काफ़ी सारी रोटियां बनाई हैं, तो गाइज रोटी भी बन गई है। आज बनाया है हम लोगों ने घुइया की सब्जी, घुइया की सब्जी, यहाँ दोस्तों इधर इसे घुइया को घिया वो भी बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं गाइज, तो ये घुइया की सब्जी हमारी तरफ घुइया बोलते हैं, तो घुइया की सब्जी बनाई हुई है गाइज, कल मार्केट से अंकिता जी लाई थी, तो गाइज आप देख सकते हैं ये बर्तन काफ़ी सारे रखे हुए हैं अभी धोने के लिए गाइज, ये देखिए। सो अब हम लोग क्या चाय पीने जा रहे हैं गाइज, और अंकिता जी चाय पियेंगे, हम भी चाय पियेंगे बैठ के, गाइज देख सकते हैं आप लोग। तो यो नहीं क्यों? सो गाइज आप भी अपने जीवन का इसी तरह तो काफ़ी अच्छा चाय बना हुआ है गाइज, और अंकिता जी बोल रही हैं आज चाय बहुत अच्छी है, उम्मीद करता हूँ गाइज आप भी आप लोग भी अपने जीवन में इसी तरह खुश होंगे। अगर आपका शादी हो गया है तो इसी तरह मिलजुल के रह के अपने जीवन को बेहतर बनाओ गाइज, और यही जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है कि इंसान में प्रेम होना चाहिए। पैसा नहीं एक वक्त है तो चल जाएगा, लेकिन पैसा जो है ना गाइज गर्लफ्रेंड में नहीं चलेगा, वहाँ तो पैसा होना चाहिए गाइज। याद रखिए कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो दोस्तों वहाँ अगर पैसा नहीं है तो आपके लात मार के भाग जाएगी वो लेकिन अगर आपका जीवन साथी जिसने साथ साथ फेरे लिए हैं तो वो एक बार सोचेगा, और रिश्ता करो अच्छी, तो यहाँ पर काम पैसा नहीं करता, यहाँ पे प्यार काम करता है दोस्तों, भरोसा काम करता है। जो लोग शादीशुदा हैं वो जान रहे होंगे इस बात को, जो नहीं है वो आगे समझेंगे जिनकी शादी हो जाएगी गाइज। सो गाइज उम्मीद यही करता हूँ कि गाइज हमारी जो है ना ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, करते रहिए, अभी बहुत लंबा सफ़र है गाइज, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और फुल वीडियो को वॉच करें गाइज। सो हम लोगों ने चाय दोस्तों डन कर दिया है, पी लिया है गाइज, और हम अब खाना खाने के लिए तैयार हैं गाइज, तो आप देख सकते हैं अंकिता जी से मैंने बोल दिया खाना लगा दिया। तो दोस्तों वैसे मैं अभी नहा के खाना खाने वाला हूँ गाइज, अभी नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर नहा के आऊँगा तब खाना खाऊँगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या नज़ारा है गाइज। और ये जो अंकिता जी हैं वो कुछ बोलती नहीं है, ऐसे ही अपने बैठी रहती हैं, मुँह चलाना इनका काम है गाइज, देखो बोलो कुछ बोलो कुछ बोलो,
कुछ तो बोलो, बोलो। बोल दिया सबको। क्या बोल दिया? कुछ नहीं। तो फाइनली दोस्तों हमने खाना खा लिया है और आप देख सकते हैं अंकिता जी बैठी हुई अपने बाल बाल खोले हुए गाइज और अपना खूबसूरती का नज़ारा दिखा रही हैं। देख सकते हो आप लोग लिपस्टिक लाली और क्या क्या लगाती हैं जो औरतें, वो अपना सब कुछ किए बैठी हुई हैं ये। और देख सकते हैं आप लोग हमने भी खाना खा लिया गाइज, आप लोगों की कृपा से खाना मैंने खा लिया है। मिल गया भगवान की कृपा से। हाँ, खाना मिल गया है। अगर बीवी अच्छी हो तो खाना मिलता रहता है, नहीं अगर अच्छी हो तो फिर नहीं मिलेगा खाना, बना के खाना। क्योंकि आपको मालूम है, आपको अनुभव होगा अगर आपकी शादी गैज हो गई है, बना के भी कभी कभी खाना पड़ता है जब बीमार पड़ते हैं तब। तो गैज आपको दिखाते हैं कि हमने खाया दोस्तों, जो ये अरवी लाई घुइया लाई थी गैज वो काफ़ी ज़्यादा बेकार निकल गई और गली नहीं है, आप देख सकते हो ये मैंने खाई नहीं अच्छी तरीके से, रोटी भी नहीं खा पाई गैज। और इन्हें जानकारी है नहीं, ये सिटी की कानपुर की रहने वाली है, इन्हें यही नहीं मालूम है कि घुइया किस तरह की लाएँ जो गले। सो गैज गोल टाइप की जो घुइया होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है और जल्दी गल जाती है गैज। ये वाली जो घुइया है वो लंबी ज़्यादा होगी, गांठ गांठदार होगी, वो नहीं गलेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं सज के तैयार हुई हैं और बैठी हुई हैं बहुत ही फ्रेश मूड में, क्योंकि इन्हें तो कुछ टेंशन है नहीं गैज। तो गैज आप देख सकते हो ये जो है इनके लिए लाए थे गैज, ये वाला अच्छा लग रहा है प्लाजो इनके लिए, ये अच्छा और, है, ये अच्छा है। और इनके साथ देखो आराम से बैठो। सो गाइज अगर आप लोग हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं गाइज, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। इसी तरह करते रहिए आप लोग हमारा सपोर्ट। और अंकिता जी जो है ना वो अभी बीमार थोड़ी पड़ी हुई हैं, क्योंकि थोड़ा दिक्कत आ गया है तो इसी तरह दोस्तों हमारी ज़िंदगी चल रही है। और उम्मीद मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, डालता रहूँगा और आप लोग मुझे पसंद करते रहें गाइज, जिससे मेरा भी मोटिवेशनल है जो बढ़ता रहेगा गाइज। कहते नहीं दोस्तों कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं हारूंगा तो नहीं किसी भी हालत, चाहे लोग हमारा वीडियो कितना भी इग्नोर करें गाइज, मैं हारने वाला नहीं, मैं चलता ही रहूंगा। एक ना एक दिन वीडियो ज़रूर हमारा सक्सेस होगा, हमें पूरा भरोसा है। जिस तरह आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं तो यही है दोस्तों कि जीवन में संघर्ष तो है ही, चाहे जीवन में छोटा सा आदमी हो या बड़ा सा आदमी हो या कोई भी वस्तु, जितनी भी ये संसार में पैदा हुई वो अपना कोई ना कोई कर्म कर रही है। कर्म के बिना हर किसी का जीवन अधूरा है। एक चींटी जो है ना बहुत छोटी होती है गाइज, वो भी अपने पेट के लिए संघर्ष करती है, पूरे दिन भागती है इधर उधर, तब उसे खाना मिलता है और वो अपना पेट भर के, क्योंकि ये पेट जो इंसान भगवान ने दिया है यही सबसे बड़ी तकलीफ है इंसान की, है ना। ये अगर ना हो तो फिर इंसान कमाना भी बंद कर दे यार कि मुझे खाना नहीं। तो यही है गाइज, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो गाइज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे शेयर करें और फुल वॉच करें। तब फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।